यहाँ पर जो डंडा लगा था ना वो बैम्बू लगा था, और ये बैम्बू हम लेकर आए थे सीढ़ी से। ठीक है, कल वो जो पाइपें उठाई ना, जो इतनी छोटी छोटी पाइपें थी, वो आराम से सीढ़ी से आ सकती थी, मगर उनको मजूरी नहीं देनी थी या पता नहीं क्या करना था। बट द बॉटम लाइन इज़ वो रिस्की काम कर सकते हैं, क्योंकि जब मुझे बैम्बू ऊपर लाना था तब उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, और मैं कह रही थी कि यहाँ से बाहर से ऊपर लेके आऊँ तो बाहर से भी मुझे ऊपर नहीं लाने दे रहे थे। कह रहे थे कि हमारे रेजिडेंट्स का कांच टूट जाएगा या सामान टूट जाएगा। तो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इट इज़ जस्ट लाइक अपॉइंटिंग समबडी टू कट फाइन एंड पेनल्टी फॉर दोज हु स्पिट ऑन द रोड हु हिमसेल्फ स्पिट्स। मतलब जो खुद थूकता है रास्ते के ऊपर उसको ही पोस्ट पर बिठा दिया है दूसरों के लिए पर्ची काटने के लिए, जो खुद जो रोड के ऊपर थूकते हैं या गंद करते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट, आप करो तो कुछ नहीं, दूसरा करे तो बाबा डेंजरस हो गया। तो मैं भी अपना बैम्बू वहाँ से ऊपर ला सकती थी, मगर इन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया। जैसे उन्होंने ये रास्ता इतनी फटाफट ब्लॉक कर दिया, उन्होंने सामने से मुझे नहीं आने दिया, ये कह के कि हमारे रेजिडेंट्स का कांच टूट जाएगा, फ्लैट ओनर्स का कांच टूट जाएगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द वे पीपल प्ले। संग्राम सीधा है तो कुछ बोलता नहीं है। मैं ठीक हूँ जैसी हूँ, आपको जो समझना है समझो, ओके। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, मेरा तो काम जो भी मैं करूँगी सर्विस लिफ्ट से करूँगी, ये सब खींचा खाची मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि किचन का जो भी काम होगा मैं सर्विस लिफ्ट से सामान लेकर आऊँगी। मुझे ये सब डेंजरस तरीके से सामान क्यों पुल करना है? वाई शुड आई डू इट? वाई शुड आई डू समथिंग दैट इज स्टूपिड, नॉट रिक्वायर्ड? नो, आपको घर में रेनोवेशन करानी है या कुछ भी करना है, अब सर्विस लिफ्ट से सामान लेके आओ, सीढ़ी से लेके आओ, आप ये सब खींचा खाची पाइप से क्यों कर रहे हो? मैंने खींचा खाची पाइप से इसलिए करी क्योंकि बैम्बू लाने की मैं कोशिश कर रही थी, जो यू नो कट नहीं हो पा रही थी। मगर देखो बैम्बू भी आ जाती है सीढ़ी से, मगर धीरे धीरे आती है, एक एक करके बैम्बू आती है। जब आपको बहुत सारी बैम्बू लगानी है तो पॉसिबल नहीं है, और बैम्बू को काट नहीं सकते, लॉजिक समझो। अदरवाइज मुझे तो ये सब डेंजरस चीज़ों में घुसना ही नहीं, क्यों आप चीज़ों को पुल करो? समझ रहे हो? लाओ सर्विस लिफ्ट से। वो अहमदाबाद में क्यों उन्होंने चीज़ों को लोहे को पुल किया मुझे नहीं पता, तो उन्होंने किया पुल लोहे को भी, क्योंकि अहमदाबाद का जो घर है ना वहाँ पे सर्विस लिफ्ट है ही नहीं, एक सर्वेंट लिफ्ट है और नॉर्मल लिफ्ट है। सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट माई फादर टू सेल दैट हाउस। चलो वो लोग फोर्थ फ्लोर पे है, आदमी नीचे जल्दी उतर सकता है अगर कोई एमरजेंसी हो या कुछ हो, मगर अहमदाबाद का फ्लैट में सर्विस लिफ्ट है नहीं, सामान ऊपर ले जाने के लिए सीढ़ियों का ही प्रयोग करना पड़ता है, एमरजेंसी में सीढ़ियाँ ही है, अगर स्ट्रेचर व्रेचर डालना है तो नहीं डाल सकते आप। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि वहाँ पर लोहा खींच के आया बिकॉज देयर वाज नो सर्विस लिफ्ट। पर्ल हाइट्स में तो सर्विस लिफ्ट है, तो आप क्यों पाइपें खींच रहे हो? आप क्यों डेंजरस काम कर रहे हो? मगर आपको करना है क्योंकि आपका राज है, तो आप रोड पे थूको, कोई और रोड पे थूकेगा तो आप उसको फाइन दोगे। वाह जी वाह, ये है सोसाइटी। यहाँ ये सोसाइटी वाले वॉचमैन के पीछे पड़े हुए हैं। बेचारे वॉचमैन है सीनियर सिटीजन, उनको अपना घर चलाना है, आप उनको अच्छी पगार दो, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार पगार दो, तो वो भी एक ही ड्यूटी करे, एक ही जगह काम करे। बेचारों को आप 7,000-8,000 देते हो, 7-8 हज़ार में उनका घर कैसे चलेगा? खाना भी खाए, चाय भी पिए, कभी स्नैक्स भी खाए, कैसे उनका घर चलेगा? तो आपको अच्छे वॉचमैन चाहिए, तो वॉचमैन को पगार भी तो दो ना। इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना सारा पैसा ले रहे हो, इतने सालों से 4 टेरेसेस का पैसा अपने जेब में डाल के बैठे हो, और कहते हो कि टेरेस वॉटेवर जो भी आपको ड्रामा करना है करो, मुझे उसमें तो पढ़ना ही नहीं है, पर 4 टेरेसेस के पैसे तो लेके बैठे हो ना, जब बिल्डर ने बेचा तब कहाँ थे? तो इतने सारे पैसे लेके बैठे हो, और अच्छे वॉचमैन रखने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। बेचारे ये वॉचमैन में क्या प्रॉब्लम है? वॉचमैन के लिए भी करते हैं, बाकी सारा काम भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, मगर तुम उनको पगार नहीं देते। तुम उनको पगार नहीं दोगे तो बेचारे दूसरी ड्यूटी डबल ड्यूटी तो करेंगे। तो अगर सिंगल ड्यूटी वाले वॉचमैन चाहिए तो उनको सोने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। दिन में काम करेंगे तो रात को सोएंगे, रात में काम करेंगे तो दिन में सोएंगे। उनके सोने के लिए जगह बनाओ, वॉचमैन के सोने के लिए जगह बनाओ, वॉचमैन के खाने के लिए जगह बनाओ, उनके लिए बाथरूम बनाओ जहाँ पे वो शेव कर सके। नहीं, वो सब नहीं करना, मगर ऐसे ही पंगे लेने पायल रोहतगी के साथ क्यों? क्योंकि पब्लिसिटी मिल जाएगी, है ना? क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड आई हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम।
सो आई एम नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ यू, बट आई हैव जस्ट रियलाइज्ड कि बेचारे वॉचमैन के पीछे मत पड़ो, ठीक है? वो बैग भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, डबल ड्यूटी करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको कम पगार दी जाती है. ज़्यादा पगार दो, 15,000-20,000 पगार दो उनको, अगर उनसे वो सिक्योरिटी का काम कराना है. माय गेट तुमने उनको पकड़ा दिया है. अगर हम फ़ोन नहीं उठाए तो गेस्ट नीचे खड़े हैं, अगर हम के ऊपर तो माय गेट से बेचारे दो ये गरीब लोग कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे इतने सारे फ्लैट के रेजिडेंस के गेस्ट का. एक माय गेट के एप्लीकेशन से, एक मोबाइल के एप्लीकेशन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी बड़ी सोसाइटी के सारे गेस्ट मैनेज होंगे? इंटरकॉम ठीक करो, एक आदमी को रखो माय गेट पे, जिनको माय गेट का इस्तेमाल नहीं करना वो इंटरकॉम करेंगे. रखो ना ज़्यादा वॉचमैन. इतने सारे पैसे क्या कर रहे थे इतने सालों से? पेट्रोल पंप खरीद रहे थे? बालाजी रेस्टोरेंट खरीद रहे थे इतने सारे टेरिस के पैसे से? बालाजी रेस्टोरेंट है ना सेक्रेटरी के पास जो बंद है, वो किसके पैसे से खरीदा? सोसाइटी के टेरिस के पैसे से खरीदा? पेट्रोल पंप ही है ना पूर्व चेयरमैन के पास, वो किसके पैसे से खरीदा? हमारे पैसे से खरीदा, हमारे टेरिस के पैसे से खरीदा. तो दो ना तुम वॉचमैन को एक्स्ट्रा पगार, रखो और वॉचमैन. एक पाई गेट संभाले, इंटरकॉम ठीक कराओ, एक लिफ्ट के बाजू में रखो, सिक्योरिटी चाहिए. दो उनको कुर्सी, दो उनको कूलर. बेचारों के पीछे पड़े हुए हो गरीब लोगों के. Did anybody trouble you? Wow, Veena is in the pant shirt. Veena is in pant shirt mode with new hair color. Look at her and pink rubber band. Yes, the secretary had tried to sell his so-called closed restaurant to us when I had started the stall business, just to understand business. He had told Sangram ji ki dekhiye aapka hai na level nahi hai ki aap road pe khade ho ke koi business seekhe, aap hai na meri dukaan le lijiye to dukaan band hai. To aapne, no offense, but restaurant ke business se matlab aap the, आप हैं लवली ऑसम. सो वी डोंट नो ना वाकफ बोर्ड का पैसा कहाँ जाता है. कल मैंने कोई रुबीना का इंटरव्यू देखा, लियाकत, रुबीना लियाकत. मैं बेचनी है बेटी की शादी के लिए तो एनओसी लेकर आऊँ. किससे लेकर आऊँ? वक्फ बोर्ड से लेकर आऊँ. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है. और ऐसे बहुत से केसेस, कह तो रही हूँ ये 40,951 केसेस है. एक बार वक्फ ने कह दिया कि संपत्ति मेरी है, बात खत्म. आप लड़ते रहिए सालों साल, और कई ऐसी शिकायतें सामने आ गई. और इसीलिए कहा गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, इसमें बदलाव की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है. आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, एक सवाल आ सकता है ना आपके मन में? मेरे पास तो बकायदा सच्चर कमेटी की वो रिपोर्ट मौजूद है. ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, इसमें हवाला दिया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ, और ये कब है? 1996 से लेकर 2006. इस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और इसी में वो रेकमेंडेशन दिए गए हैं जो अभी संशोधन विधेयक आप देख रहे हैं. रेकमेंडेशन क्या दिया गया है इसमें? ये कहा गया है, आइडेंटिफाई द वक्फ प्रॉपर्टीज विच हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, और ऐसे ही कुछ. और उसके बाद कहा है, टू एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स फॉर मेकिंग इट इफेक्टिव. इसमें यह भी लिखा है कि सजेस्ट सच अमेंडमेंट्स टू द वक्फ एक्ट 1995. अमेंडमेंट्स जो वक्फ एक्ट 1995 है उसको सजेशंस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की तरफ से दिया गया, जिसका बार बार जिक्र विपक्ष करता रहता है. और इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये विधेयक है जिसमें कहा गया है संशोधन कीजिए और खासकर ऐसा बनाइए सो एज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज एनक्रोच्ड अपॉन. एनक्रोचमेंट सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड पर लग रहा है, और उसे अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुसलमानों की हालत, 20% मुसलमानों की हालत जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो ना होगी. और उसमें से बहुत रसूखदार हो सकते हैं, लेकिन जो गुर्बत और जो गरीबी है वो दूर की जा सकती है सिर्फ अगर वक्फ तमीज से और तरीके से काम करने लग जाए. और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पर और आप जानकारी हासिल करें और गौर फरमाएं, सिर्फ इस दिखावे पर ना जाए कि सामने वाले को या मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए ये काम किया जा रहा है. और अगर तुम्हें बेचनी है बेटी की शादी के लिए तो एनओसी लेकर. शी इज अ जर्नलिस्ट, वो कुछ कह रही थी कि वाकफ बोर्ड के पास इतना पैसा है मगर वो वाकफ बोर्ड के पैसों से मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ है.
Apparently, the money is in the hands of few people who control the Waqf board. Okay. It has not done any kind of charity or upliftment of the Muslims of India, of Bharat. So, उसी तरीके से हमें नहीं पता ना चार टेरेस का पैसा किसके हाथ में गया, कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का तो इस बिल्डिंग में दो दो तीन तीन फ्लैट है, जबकि उनकी आमदनी कुछ है ही नहीं. आमदनी अठन्नी, यू नो, आमदनी एकदम ना के बराबर है, कुछ काम वाम नहीं करते, तो फिर कैसे वो ये फ्लैट्स खरीदते, कहाँ से क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है. क्योंकि देयर आर सम पीपल हु आर नॉट इवन सेलिब्रिटीज एंड हु हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, तो इस बिल्डिंग में कैसे उनके दो दो तीन तीन फ्लैट है यार. सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज दिस एरिया वाज लाइक अ वाकफ बोर्ड एरिया. ठीक है, ये तो अच्छी ही बात है कि अभी यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट होती है, अभी दुर्गा पूजा का पंडाल लगेगा, अच्छी बात है, लगाओ पंडाल. मगर व्हेन आई हैड कम हियर, आई यूज्ड टू फर्स्ट एट समीर बिल्डिंग जस्ट ऑपोजिट दिस टावर, दिस वॉज अ कम्प्लीटली वाकफ बोर्ड एरिया. सो एनी वेज, मशरा आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कागज़ बन जाते हैं. कॉमेडियन जी, आपके कागज़ नहीं है, इसलिए आपने अमित शाह जी के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसकी वजह से आपको इतनी पब्लिसिटी मिली. बीजेपी आईटी सेल ने आपको ट्रेंड करा करा के रियलिटी शोज का विनर बना दिया. तो कागज़ बन जाते हैं भारत के अंदर, इतना टेंशन मत करो. ठीक है, ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट भी बना देते हैं. तो फिर ईडी अगर छापा मारेगी, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट नकली है, तो रो मत ना कि ईडी आ गई, इंस्टीट्यूशंस, यू नो, मोदी जी ने कंट्रोल कर दी है. अगर आपके कागज सही है तो ईडी को छापा मारने दो, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, ओके, बाय. इनफ. कुछ गया कि नहीं गया? गया ना.